हेलो एवरीवन, जैसा कि आपने देखा था हमारी पुरानी वीडियो में कि हमने किस तरह से सोडा वोडा की बात की थी, आज कुछ इसी तरह से इंटरेस्टिंग चीज लेकर आए हैं। सबसे पहले तो मैं पूरी पाकिस्तान आवाम को अस्सलाम वालेकुम। तो फूड से कुछ आप लोगों को याद आया होगा कि यार फूड बड़ी मजे की चीज होती है। तो बिरयानी आप लोगों ने सुनी होगी, कौन होगा जिसे बिरयानी का नहीं सुना होगा। बिरयानी, ओ माय गॉड, सुनते के साथ ही पेट में पानी आ गया। हसन भाई, पानी आया पेट में? मैं यहाँ रोड के बीच में खड़ा होकर मुझे बिरयानी की जो खुशबू आ रही है, मैं आप लोगों को किस तरह से बताऊंगी क्या खुशबू है। आज इसी तरह से एक बिरयानी का जो है गाजी फूड के नाम से, जो कि बहुत ही फेमस ब्रांड बन चुका है। गाजी फूड की बहुत सारी खासियतें हम देख रहे हैं कि इनके किस तरह से खाना है, सारी चीजें। तो गाजी फूड के बारे में मैं आप लोगों को इतना कुछ तो नहीं बताऊंगा, वो तो हम उन्हीं से ही जानेंगे। बस मैं आपको ये बताऊंगा कि भाई बिरयानी, पानी, पेट। तो आइए चलिए, बड़े टाइम वेस्ट किए, हम बिरयानी की तरफ चलते हैं कि किस तरह से है सारी चीजें। ये देख रहे हैं इन्होंने इतना बड़ा गाजी पकवान के नाम से सारी चीजें बनाई हुई हैं, और हम चल रहे हैं यहाँ पर इनकी सारी सर्विंग वगैरह जो भी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, खैरियत से? सर हम थोड़ा गाजी फूड के बहुत चर्चे सुने हमने, तो जरा बताएं यहाँ पे 1 2 3 4 5 पांच पॉइंट देंगे लगी हुई है, सब बिरयानी है? नहीं, सब में बिरयानी नहीं है। आगे मैं आपको टेस्ट करवाऊंगा, सबसे पहले आप आइए। तो देख रहे हैं हम किस तरह से, ओ चिकन बिरयानी, ये खुला इनका ढक्कन, थोड़ी हवा आई और हमने सांस ली बिरयानी की खुशबू। ये बीफ बिरयानी, अच्छा बिरयानी चिकन की अलग है, बीफ की भी अलग है। ओ थर्ड पुलाव, पुलाव, ओ माय गॉड, मैं इसे स्मेल कर रहा हूँ किस तरह से। आप, मैं आपको किस तरह से बताऊं कि ओ माय गॉड, ये बीफ हलीम। ओके हलीम, वाओ, मतलब आप एक जगह पर ही आकर पुलाव भी खा सकते हैं, हलीम भी खा सकते हैं, पुलाव, सारी चीजें, वाओ करम भाई, जबरदस्त। वाओ, कोरमा भी इनके पास है भाई, कोरमा, बादामी कोरमा, ये हर जगह आपको नहीं मिलेगा, बादामी कोरमा वो तो मुझे लग रहा है कहीं नहीं मिलेगा। सलाम भाई, इतनी सारी चीजें एक जगह पर कैसे रख दी? हम लोगों के लिए रखा हुआ है, लोग पब्लिक की डिमांड पर, लोगों की रिक्वायरमेंट के मुताबिक। मुझे तो और मजीद अगर आप आगे आएंगे तो रमजान में इंशाल्लाह आपको एक दो आइटम और भी मिल जाएंगे। करान भाई, अब आप मुझे बताएं, मैं तो कंफ्यूज हो गया हूँ। मैं चिकन बिरयानी खाऊं, बीफ बिरयानी खाऊं, पुलाव खाऊं, हलीम खाऊं, कोरमा खाऊं, क्या सारी चीजें आपके सामने है, जो आप खाना चाहें बैठिए। मैं अगर सोचूं इतनी सारी चीजें तो मैं खा नहीं सकता हूँ, मैं वैसे बिरयानी लवर हूँ, मैं बिरयानी ही खाऊंगा और आप लोगों को मैं बताऊंगा बिरयानी। अच्छा जरा अगर यहाँ चल के देखें, हम देख सकते हैं अंदर? हाँ बिल्कुल, आ जाए, हम आपको दिखाते हैं किस तरह से सारी चीजें हो रही है। तो हाँ भाई, क्या बना रहे हो? बिरयानी बता रहे हैं। बिरयानी है पक्का? मुझे तो बिरयानी नजर नहीं आ रही, तो चावल है, चावल उबाल रहे हो, उसमें क्या हो रहा है? वाह, मतलब वहां से उबाल के ले आते हो, यहाँ पर मसाले में ऐड करके फिर दूसरा मसाला ऐड कर देते हो, वाह जबरदस्त। तो इसकी भी खुशबू बड़ी अच्छी आ रही है, और बिरयानी की जब तक छन छन की आवाज नहीं आती तो हमें तो पता नहीं चलता कि बिरयानी है। तो ये बिरयानी की जो टेंशन होती है ना, वो बड़ी मजेदार होती है। तो फरहान भाई, सबसे पहले तो आप हमें बिरयानी टेस्ट करवा दें, फिर हम आपसे कुछ गपशप भी करेंगे, आपसे कुछ बातें भी करेंगे मजीद। तो गाइस चलते हैं, हम ऊपर बैठ जाएं, डाइनिंग ऊपर है, डाइनिंग ऊपर है, तो आप ऊपर आ जाएं डाइनिंग में। वाओ, तो ये आ गए हमारी बिरयानी, खुशबूदार, मसालेदार, वाओ स्मेल्स गुड। हसन भाई, बिरयानी देख रहे हैं आप, इतनी भरी हुई प्लेट में, पूरी प्लेट भरी हुई, इतनी भरी हुई प्लेट में पूरी प्लेट भरी हुई। तो सबसे पहले हम एक बाइट लेते हैं इसका। वाओ, इन्होंने सर्विंग भी बड़ी अच्छे से करी है, टिश्यू वगैरह भी। यह इसके से कोल्ड ड्रिंक भी होती है, मिलती है, एक लाना, पेप्सी लाना और बिल्कुल ठंडी ठंडी लाना, क्योंकि बिरयानी का मजा तब आता है जब आप ठंडी सी कोल्ड ड्रिंक इसके साथ पीते हैं। तो शुरू करते हैं पहला बाइट। वाओ, अमेजिंग, मतलब लिटरली मैं खाकर निकला था घर से,
लेकिन अभी मुझे लग रहा था स्टार्टिंग में कि मैं पूरी बिरयानी तो नहीं खा पाऊंगा, लेकिन ये खाकर मुझे ऐसा लग रहा है हसन भाई आज तो कुछ नहीं बचने वाला भाई। मैं सीरियसली अगर मैं रेटिंग में अगर आपसे पूछूं तो जरा आप ही मुझसे पूछ लें कि मुझे क्या रेट देने चाहिए। क्या रेट देने? अच्छा हसन भाई आपने इतना अच्छा सवाल कर लिया है मुझसे इतना खाने के बाद, तो मैं इसे दूंगा 10 out of 9 points दूंगा, क्योंकि 10 तो मैं कभी देता नहीं हूँ, ना मेरे कभी 10 जिंदगी में किसी सब्जेक्ट में आए ना कभी लाइफ में किसी चीज में आए, तो 10 में ना तो मैंने आज तक लिया ना मैं किसी को देता हूँ, तो मतलब समझ लें ऐसा फुल मार्क्स समझ लें। बड़ी मजेदार है अगर मैं दूसरा बताऊं तो जरा ऊपर से व्यू बता सकते हैं किस तरह से सारी चीजें हैं। ये देखिए बिल्कुल चिकन का पीस फ्रेश, वाओ एकदम मसाले वाले। हमने खा लिए बिरयानी बहुत मज़े से, अभी हम चल रहे हैं फरहान भाई की तरफ, थोड़े रेट वगैरह की मालूमात करते हैं। बिरयानी तो नो डाउट बहुत औसम थी, तो फरहान भाई थोड़े मसरूफ नज़र आ रहे हैं, हम फरहान भाई का थोड़ा इंतज़ार ही कर लेते हैं। सुपरवाइज़र मसरूफियात तो बहुत होती होंगी। फरहान भाई आपकी बिरयानी तो बहुत माशाल्लाह से बहुत मज़े की थी, हमने पेट भर के खाई। ये पर प्लेट का रेट क्या है? पर प्लेट 150 रुपये, 150 रुपये की फी प्लेट होती है, तो किलो का हिसाब कुछ इस तरह से होता है? हमारी एक फी प्लेट है, अगर आप पार्सल लेते हैं तो उसमें आपको हाफ के जी मिलता है। Okay. अगर आप डाइनिंग करते हैं तो हमारी मसला है, आपने प्लेट तो भी खाई है बहुत, तो वो एक बंदे के लिए एक इनफ प्लेट होती है, तो रेट हमारा सेम है। अच्छा, और बाकी ये अगर कोई ओकेजन वगैरह शादी ब्याह वगैरह के लिए अगर मंगवानी हो तो मंगवा सकते हैं? बिल्कुल, तो कांटेक्ट कर लें और सारी चीज़ें हो जाएंगी। कांटेक्ट करें किसी भी वक्त, कोई सा भी इवेंट हो कहीं पर भी हो आप इंशाल्लाह कांटेक्ट। तो एक दो दिन पहले हम आपको बस बता देंगे फरहान भाई, आप बस बिरयानी पहुँचा दें मज़ेदार। बिल्कुल, तो इनका नंबर मैं आप लोगों को दे दूंगा कि किस तरह से आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं अपने शादी वगैरह में या किसी भी ओकेजन के लिए मंगवाना चाहे तो आप मंगवा सकते हैं। फरहान भाई एक फेवर चाहिए था मुझे अपनी ऑडियंस के लिए कि अगर इस वीडियो के थ्रू कोई आपके पास आता है तो उसे कोई डिस्काउंट मिल सकता है? बिल्कुल देंगे। कोई ऑर्डर लेकर आए यहाँ पर, फरहान भाई खड़े हैं जो कि यहाँ के सुपरवाइजर हैं, वो खुद कह रहे हैं कि अगर आप इस वीडियो के थ्रू आते हैं तो आपको डिस्काउंट मिलेगा। गाइस आपसे किया हुआ वादा मैंने पूरा कर दिया, अब आप आए इनके पास, इनकी बिरयानी के लुत्फ़ उठाइए, मज़े लीजिए और किसी भी ओकेजन में इनको मत भूलिएगा। तो बहुत शुक्रिया आप लोगों का मेरे साथ जुड़ने के लिए, फरहान भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका, मिलते हैं इंशाल्लाह। तो ये था हमारा आज का सफ़र कि किस तरह से हमने बिरयानी के इतने सारे मज़े लिए, ठीक है। तो अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा, बने रहिएगा हमारे साथ, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि कौन कौन बिरयानी लवर है और कौन कौन नहीं है, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि कौन है वो जिनको बिरयानी नहीं पसंद, मैं मिलना चाहूँगा ज़रूर उनसे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।